मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां दो बदमाशों ने महज सवारी बैठाने को लेकर हुए विवाद में सिटी बस ड्राइवर को चाकू से धमकाया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने न सिर्फ बदमाशों को गिरफ्तार किया बल्कि बस की साफ सफाई भी करवाई। इंदौर शहर में फिर गुंडों ने मचाया आतंक, सिटी बस ड्राइवर को चाकू दिखाकर धमकाया। गाड़ी टकराने की बात को लेकर हुआ था विवाद, फिर पुलिस ने निकाली हेकड़ी, बस की करवाई सफाई। दरअसल पूरा मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के गणेश मंदिर के पास का है, जहां दो दिन पहले एक सिटी बस चालक को क्षेत्र के ही दो बदमाशों द्वारा गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दो दिन बाद अंकित और अतुल ने सिटी बस चालक को चाकू देकर धमकाया था, जिसकी शिकायत सिटी बस चालक द्वारा खजराना पुलिस को की गई थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बदमाश अंकित और अतुल को पकड़ा है। वहीं पुलिस ने दोनों बदमाश अंकित और अतुल का उसी क्षेत्र में जुलूस निकाला, जहां लोगों में इनका खौफ था। साथ ही पुलिस ने बदमाशों से सिटी बस में झाड़ू भी लगवाई। खजराना थाना क्षेत्र में ये मामला रिपोर्ट हुआ था, जिसमें बस के अंदर दो लोगों के द्वारा चाकू दिखाया गया था बस वालों को, तो इसमें ये रिपोर्ट हुई है। रिपोर्ट के पश्चात इनको कैमरा वगैरह देख के चिन्हित किया गया और पकड़ा गया। जो घटना आई इस प्रकार से है कि जो आरोपी हैं वो मैजिक चलाते हैं, सवारी बैठाने की बात को लेकर विवाद हुआ, तो ये लोग वहाँ बस में गए, चाकू दिखाया और अड़ीबाजी की उनसे डिमांड किया बस के ड्राइवर और जो उनका स्टाफ था, तो ये घटना हुई। इसके बाद इनका गिरफ्तारी पुलिस ने कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। सर, बस के अंदर झाड़ू भी लगवाई आरोपियों से सजा के तौर पर? कानून में जो सजा का प्रावधान है उसी ढंग से कार्रवाई की जाती है। कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जो धाराओं में चालान किया जा रहा है उसमें जो सजाएं रहेंगे, जितने साल की सजा है उतने साल की सजा पुलिस डिमांड करेगी। बाकी पुलिस की तरफ से यही मैसेज है, कोई भी अगर कोई गलत कार्य करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है दोनों के और इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं? एक जो मुख्य आरोपी है वो अंकित करके है और दूसरा एक अन्य उसका सहयोगी है। पूर्व से अभी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन जैसे इनकी घटना की प्रकृति थी उस हिसाब से आसपास के थाना क्षेत्र और आसपास के जिलों में भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल है। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों बदमाश मैजिक गाड़ी चलाते हैं, साथ ही अड़ीबाजी को लेकर क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्रवासियों ने भी राहत की सांस ली है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।